विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। सैनिकों तोड़ दो इस द्वार को। वहां है वो, यहाँ की सभी नारियां, सभी देवियों को खींच कर लेके आओ वहां से। रुकने पर विवश अब मैं नहीं, तुम होगे दुष्ट असुरों। शुंभ स्मरण रखना, तुम्हारा ये दुस्साहस ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। नारी का सम्मान करो, यही उपदेश दे रही थी ना देवी सची मुझे। अब देखता हूँ कौन उसके मान की रक्षा करता है। ए सैनिकों, शीघ्रता करो, द्वार बंद हो रहा है। इन द्वार के साथ तुम्हारे भाग्य के द्वार भी बंद हो रहे हैं शुंभ। मूर्खों, स्वर्गाधिपति शुंभ का आदेश सुनकर शीघ्र नहीं पहुंच सकते थे। देवियां आतंकित हैं मुझसे, ये तो सम्मान है मेरी शक्ति का। अब उन्हें यहां से निकालने में और आनंद आएगा मुझे। द्वार बंद हुआ तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि आखेट करने का आनंद आखेट का पीछा करने के बाद ही आता है। शची, देवी शची। दुष्ट असुर, मुझे मेरे नाम से संबोधित करने की उदंडता कर रहे हो ना तुम, उसका उचित दंड प्राप्त होगा तुम्हें। किंतु अभी मुझे सभी देवियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। देवी सची, तुम्हारी जगत जननी और मुझ में एक समानता तो है, मैं भी अपने सेवक और सेविकाओं को चेतावनी देकर एक बार सुधरने का अवसर देता हूँ। चेतावनी अर्थात क्या करने जा रहा है ये दुष्ट? शची, प्रिय शची, स्वेच्छा से बाहर आ जाओ, अन्यथा तुम्हें खींच कर बाहर ले आऊंगा मैं। माता करेंगे हमारी रक्षा। सुन रही हो ना देवी शची, अभी इसी क्षण बाहर निकलो। तुम्हें आना तो पड़ेगा ही, यदि ऐसे नहीं आओगी तो बल का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा। सैनिकों तोड़ दो इस द्वार को और बाहर निकालो सबको। नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मूर्ख सैनिको, इतना भी नहीं कर सकते, तोड़ा इस द्वार को। सारी देवियां और नारियों को मेरे चरणों में लेकर आओ, अभी और इसी क्षण। माँ के कंठ को सुशोभित करने वाला हार खंडित हो गया। ये माता के हार की मोती ऐसे क्यों बिखर रहे हैं? भीतर तो आ गए हम, अब कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? चिंता मत कीजिए, एक और हो जाइए आप सभी, हमें पूर्ण विश्वास है माता रानी हमारी अवश्य रक्षा करेंगी। आइए। क्या हो रहा है? ये श्वेत कंदुक कहां से उत्पन्न हो गए और इनके आकार में वृद्धि क्यों हो रही है और ये हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? माँ, आपको शत शत नमन। आपने हमारी गुहार सुनी, हमारी रक्षा की, हम कृतार्थ हुए माता। अब शीघ्र ही मेरे सैनिक उन देवियों को बाहर निकाल लाएंगे और तब वो मेरे पांव में गिरकर दया की भिक्षा मांगेंगी। सुना तुम लोगों ने, कदाचित उन देवियों को खींच के लाने की ये ध्वनि है। प्रतिशम मत छटिएगा। ये विशाल काय कंदुक मुझ पर ही लक्षित है। कंदुकों को उत्पन्न कर हर कर रही है देवी। हाँ, स्वर्ग अधिपति शुंभ पर आक्रमण किया इन्होंने, किंतु इन कंदुकों को उन तक पहुंचने नहीं देंगे हम, इन्हें रोक देंगे हम। ये
ये एक कंदुक को तो रोक दिया हमने, किंतु अभी हर एक कंदुक शेष है भ्राता चंद। अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर इन्हें भी रोकना होगा भ्राता। चंडमुंड, मैं सहायता करता हूं तुम्हारी। इन्हें अपने सैनिकों में परिवर्तित कर दूंगा मैं। ये कैसी शक्ति उत्पन्न हो रही है कि मेरी शक्ति भी इसके सामने विफल हो रही है। यदि ये मायावी कंदूक रुकेंगे नहीं तो इन पर प्रहार कर इन्हें नष्ट कर दूंगा मैं। ये क्या हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे ये तो मुझ तक पहुंच गई। असुर महानायक शुम, हम इन मायावी कंदुकों को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं, आप इनके मार्ग से हट जाइए। ये तो हमारी ओर आ रहा है। ब्राता शुभ, आप पीछे हटिए। अवश्य देवी शची की ही कोई मायावी चाल है। एक नारी से भयभीत होकर पीछे नहीं हटूंगा मैं। मैं यहाँ का स्वर्गाधिपति हूँ और अपने प्रति किसी की उदंडता नहीं सहूंगा मैं, कदापि नहीं। हट जाओ सभी, मैं रोकता हूं इसे। अवश्य प्राता, अवश्य। क्या हुआ शुम? जिस शक्ति पर तुम्हें इतना अहंकार था उस शक्ति का कोई लाभ नहीं हो रहा है ना? मेरी माँ की शक्ति है ये शुम, कोई साधारण कंदुक नहीं, ये मेरी माँ के आभूषण हैं। वो आभूषण जो मेरी माता के कंठ की शोभा थे, अब वही तुम पर भारी पड़ रहे हैं। तुच्छ नारी, यही कहकर संबोधित किया था ना तुमने हमें? अब देखो, एक नारी ही तुम्हें शक्तिहीन प्रमाणित कर रही है। हमने कहा था ना तुमसे कि तुम हमारे निकट तक नहीं आ सकोगे, क्योंकि हम माँ की भक्त हैं और स्वयं माँ जगत जननी हमारी रक्षा कर रही हैं। जितना सरल सोचा था इस शिला को रोक पाना उतना सरल नहीं है। ये ज्ञात नहीं कि कब तक रोक सकूंगा इसे, परंतु फिर भी शुंभुस देवी से पराजित होने वाला नहीं। देवगन, शुम की शक्ति का प्रभाव क्षीण पड़ रहा है, उसके बंधन से मुक्त होने का यही उचित अवसर है। हाँ इंद्रदेव। दुष्ट शुम के बंधन से तो हम मुक्त हो ही गए। क्या हुआ गणेश? भैया, माँ ने मात्र देवियों की ही रक्षा नहीं की, वरन असुरों की शक्ति भी क्षीण कर रही है माँ, जिससे आसुरी बंधन से बंधे देवता भी उनके बंधन से मुक्त हो गए हैं। अद्भुत है माँ की लीला। जिस नारी को असुर सबसे निर्बल समझते थे, आज वही नारी उसके समक्ष चुनौती खड़ी कर रही है। अब मुझे कितनी भी प्रताड़ना क्यों न सहनी पड़े, उस शुम बार उसके असुरों को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं इन कंदुकों को रोकता हूं, तुम सभी आगे बढ़ो।
और उन देवियों को बंदी बना लो। जाओ। देवियों, माँ की कृपा है हम पर, इसीलिए हमें कुछ भी नहीं होगा, किंतु फिर भी हमें सावधान तो रहना ही होगा। मैं अपनी विद्युत शक्ति से रोक दूंगा। तुम्हें तो हम बंदी बनाएंगे देवियों। शुंभ के मृत सैनिक प्रतीत होता है। माता ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सची, हम सभी सुरक्षित हैं स्वामी। अरे ये क्या हो रहा है? ये देविया कहाँ अदृश्य हो गई? अब हम उनको बंदी कैसे बनाएंगे? देविया गई तो गई कहाँ? माँ की लीला समझने का सामर्थ्य नहीं है तो मैं शंप। इन कंदुकों का आकार अचानक घट कैसे गया? प्रताशुम, ये जो कुछ भी हुआ है इस मूर्ति की शक्ति से हुआ है। यही है वो मायावी प्रपंच की स्रोत। असंभव। यदि इस मूर्ति में सामर्थ्य होता तो मुझसे आकर युद्ध करती। नहीं भ्राता निशुंभ, ये तो देवताओं के छल का परिणाम है। इंद्रदेव, इसे पूर्व की शुंभ में फिर से स्तंभित कर दे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं नहीं सूर्यदेव, देवी सची और अन्य देवियाँ, उनका क्या होगा? इंद्रदेव, देवी सची और अन्य देवियाँ सभी सुरक्षित हैं। आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो माता के संरक्षण में है। हमें निकलना चाहिए यहाँ से। ये हम कहाँ आ गए? इतना अद्भुत स्थान, अवश्य ही माँ का वास है यहाँ पर। देवी सची। माता कौशिकी, प्रणाम माता। मुझे पूर्ण विश्वास था माँ कि आप हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। हाँ पुत्र, शुम निशुम के अंत तक तुम्हारी सुरक्षा है। तुम सभी देवियाँ इस गुफा में स्थित रहोगी। जो आज्ञा माँ। देवी सची, माँ ने हम सभी देवियों को तो सुरक्षित कर दिया, किंतु मुझे स्वामी और अन्य देवताओं की चिंता हो रही है। हाँ देवी संज्ञा, मुझे भी स्वामी की चिंता सता रही है। ज्ञात नहीं कि वो किस अवस्था में होंगे। सूर्यदेव, इंद्रदेव और वायुदेव तो बहुत पीछे रह गए। हाँ अग्निदेव, इन दुष्ट असुरों ने हमारे वाहन भी अपने अधिकार में कर लिए और इसीलिए हमें अपने वाहन के बिना ही भागने पर विवश कर दिया। मुझे ज्ञात है वायुदेव, हमारी शक्ति क्षीण पड़ चुकी है, किंतु फिर भी हमें किसी न किसी प्रकार से इस संकट से उभरने का प्रयास करना ही होगा। हमें शीघ्र प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय तक पहुँचना होगा। हाँ देवराज, आप उचित कह रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हमें गणेश जी बचा सकते हैं। कैसी ध्वनि? ये असुर तो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। वायुदेव, अपनी गति बढ़ाइए, अन्यथा ये असुर हम तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे।
भागेंगे ये देवता। इनकी तो शक्तियाँ मेरे स्तंभन के प्रभाव से क्षीण पड़ गई हैं। इन्हें तो शीघ्र पकड़ लूंगा मैं। कहाँ जा रहे हो इंद्रदेव? वायुदेव, मैं भी साथ आ रहा हूँ। मेरे बंदी मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। शुन ने इंद्रदेव और वायुदेव का मार्ग बाधित कर दिया। वायुदेव अब कहां भागोगे? देखो चारों ओर से तुम घिर चुके हो। ये क्या, इंद्रदेव और वायुदेव तो शुंभ द्वारा पुनः बंदी बना लिए गए। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। सच्चे हृदय और पूर्ण समर्पण से यदि ईश्वर को पुकारो तो वो अवश्य सुनते हैं तथा मार्ग भी दिखाते हैं।